जी कॉल फॉर यू, कोई नाना है, नंबर दुबई का है। क्या नाना मतलब छोटा राजन? मैं एक क्राइम रिपोर्टर हूँ। सिर्फ 7 साल में डेप्यूटी ब्यूरो चीफ बना इजी नहीं था मेरे लिए। यही तो मेरी एबिलिटी है कि मैं एक के बाद एक बड़ी बड़ी स्टोरीज डिलीवर कर सकती हूँ। छोटा राजन ने अभी अभी जागृति पाठक को इंटरव्यू दिया है। अरे आ गए आप लोग। इस वीडियो का छोटा टीजर तो आप लोग देख चुके हैं। चलो बातें ज्यादा करते करते इस वीडियो का छोटा सा रिव्यू। अगर आपको पता करना है सामने वाले बंदे का सिनेमा में टेस्ट कैसा है तो उससे सीधे एक सवाल पूछ लीजिए। दोस्त तुमने स्कैम 1992 देखा है? अगर उसका जवाब हाँ है तो गुड न्यूज, अगर ना बोलता है तो दूसरा कब और उससे कैसे पीछा छुड़ाना है वो आपको देख लेना है। वे मास्टरमाइंड हंसन मेहता जिन्होंने स्कैम को क्रिएट किया था वापस लेकर आए हैं एक जीनियस दिमाग हिला देने वाला शो स्कूफ। यह नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली सीरीज 2023 में खतरनाक अटैक होता है फेमस होटल चलाने वाले बंदे पर। दुबई के अंदर गोली से भून दिया जाता है। उसके बाद में पता चलता है कि डॉन दावा का बिजनेस संभालता था। पैसे कहाँ लगाने हैं, पैसे कब लगाने हैं, ये सब इसकी जिम्मेदारी थी। अभी अटैक क्यों हुआ, किस लिए हुआ, अब इसको जानने के लिए 3 साल पीछे चलिए बैंक ऑफ के अंदर। छोटा राजन वैसे तो है ये अंडरवर्ल्ड का काला पन्ना। इन दोनों पर नजर रख रही थी एक न्यूज रिपोर्टर जो कि राजन की गर्लफ्रेंड थी। सुनने में तो आपको अजीब लगेगा लेकिन मैं आपको बता दूं, एक दिन ये खुद न्यूज रिपोर्टर खुद एक न्यूज बन जाती है। इनके एक इशारे पर डॉन साहब ने शहर के एक ईमानदार रिपोर्टर को का कत्ल कर दिया ताकि मैडम का कंपटीशन खत्म हो जाए। अपनी न्यूज के दम पर ये रिपोर्टर अब पुलिस वालों की नाक में दम करके रखती थी, आज पुलिस की सड़कों के पीछे ही कैसे पहुंच गई। बस ये मजेदार कहानी इस स्पूफ में दिखाई गई है। अच्छी बात तो यह है कि इस शो में सस्पेंस थ्रिलिंग रोल में क्रिएट किए गए हैं। इनके एपिसोड लंबे जरूर हैं, स्क्रीन पर इतनी सारी चीजें होती हैं आपको पता ही नहीं चलेगा। इस चीज में तो डायरेक्टर हंस मेहता की तो तारीफ करनी चाहिए। स्कैम हो या स्पूफ ऐसे लोगों पर शो बनाया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी वीडियो को प्यार से लेकर दिलाई प्यार से लेकर देखें मैं चैनल को दे सकता है। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।